प्रदेश में बढ़ती ठंड के साथ ही बच्चों में बीमारियों का प्रकोप भी अब बढ़ता जा रहा है। बात करें प्रदेश के सबसे बड़े चाइल्ड हॉस्पिटल की, जहां डेंगू मलेरिया सहित अन्य बीमारियों के मरीज तीनों दिन बढ़ रहे हैं, क्योंकि बच्चे नाजुकता के चलते जल्दी से बीमारियों के चपेट में आ जाते हैं। बढ़ती मरीजों की संख्या को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने इंडोर आउटडोर सुविधाएं बढ़ाई और सर्दियों में स्वाइन फ्लू के प्रकोप को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने अलग से ओपीडी और वार्ड की व्यवस्था भी की है, ताकि आने वाले मरीजों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। अभी खासतौर से खांसी, जुकाम, बुखार, निमोनिया, अस्थमा और स्किन एलर्जी, ये है मेन बीमारियाँ। इसके अलावा डेंगू के मरीजों की संख्या में भी काफ़ी तेज़ी से वृद्धि हुई है। पिछले महीने हमारे यहाँ 177 बच्चे डेंगू की बीमारी के साथ भर्ती हुए हैं, और सबसे बड़ी चिंता की बात ये थी कि जितने भी बच्चे यहाँ लाए गए, जो भर्ती किए गए, वो काफ़ी गंभीर रूप से डेंगू से ग्रसित थे। तो और साथ ही कुछ उल्टी दस्त के भी हैं और कुछ वायरल बुखार के भी हैं, और बाकी सामान्य बीमारियां दूसरी जो समय समय पर होती रहती हैं, उनके केसेस भी देखने को मिले।